Yes. ये देखिए जी, ये जो चाय ऐसे प्रॉपर बॉयल हो रही है, अब इससे बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। हेलो फ्रेंड्स, मंजू मित्र कुकरी हाउस में आपका स्वागत है। ठिठुरती हुई ठंड और इसमें अगर मैं आपको गर्मा गर्म तंदूरी चाय बनाना सिखा दूं तो मजा आ जाएगा। तो चलो क्यों ना आज हम गर्मा गर्म तंदूरी चाय ही बनाते हैं। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं चाय ही बनाना सिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर मैंने एक लिया सॉस पिन, आप किसी भी चीज में चाय बना सकते हो। तंदूरी चाय को तंदूरी फ्लेवर देने के लिए हमें कोई भी मिट्टी का बर्तन चाहिए होता है जिसे हम अच्छे से गर्म करते हैं। तो मेरे पास ना ये दही की हांडी थी, मैं समर में इसमें दही जमाती हूँ, बहुत अच्छी दही जमती है। अभी विंटर में मेरे पास कोई कूलर वगैरह नहीं था तो मैंने यहाँ पर वही हांडी ली। अब मैं इस हांडी को गर्म करने के लिए रख देती हूँ। मैंने ऐसे मीडियम फ्लेम पर इसे छोड़ दिया, यानी ये बहुत ही आराम आराम से पूरी करारी गर्म हो जाएगी। मैंने एक साइड में हांडी गर्म करने के लिए रख दी। आप यहाँ पर कूलर, मटकी, आपके पास जो भी हो आप रख सकते हो। और अब मैं एक साइड में चाय बनाती हूँ तो आपकी हांडी भी गर्म होती रहेगी और एक साइड में चाय भी बनती रहेगी। मैंने गैस ऑन कर दी है। यहाँ मैं ले रही हूँ हाफ कप वाटर और एक कप मैं दूध ले रही हूँ। आपको चाय गाढ़ी पतली जैसी चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैंने ये मोमजस्ता लिया है, इसमें मैं दो इलायची डाल रही हूँ, एक लौंग डाल रही हूँ और एक मैं डाल रही हूँ दालचीनी का टुकड़ा। तो मैंने थोड़ा क्रश कर दिया क्योंकि फुल पीस डालने से फ्लेवर नहीं आ पाता। तो अभी मैं इनको चाय के अंदर डाल देती हूँ। जब चाय थोड़ी बॉयल, यानी दूध थोड़ा बॉयल होगा, तब मैं इसमें डालूंगी चीनी और चाय पत्ती। आप यहाँ पर अगर अदरक डालना चाहें तो आप थोड़ा ग्रेट करके अदरक भी डाल सकते हैं, बट लौंग, इलायची और दालचीनी का चाय में बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। दूध बॉयल होना शुरू हो गया है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1.5 टीस्पून शुगर। आपको जैसा भी मीठा चाहिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर कम और ज़्यादा डाल सकते हैं। यहाँ मैं डाल देती हूँ एक छोटी चम्मच चाय पत्ती और अब हम इसे अच्छे से बॉयल होने देते हैं। चाय जितनी बॉयल होगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा, तो मैंने इसे मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया है। कलर बहुत अच्छा आएगा, कई बार चाय पत्ती टू चाय पत्ती भी कलर का फ़र्क आता है। तो आपको अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो थोड़ी सी चाय पत्ती की क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि अगर दूध की क्वांटिटी ज़्यादा होती है ना तो चाय पत्ती कई बार थोड़ी ज़्यादा भी लग जाती है। यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून चाय पत्ती और ले रही हूँ, क्योंकि जब हम चाय में पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा डालते हैं तो कलर जल्दी आ जाता है, बट थोड़ा दूध ज़्यादा हो तो कलर कम आता है। तो मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच और डाल दिया है चाय पत्ती, यानी टोटल क्वांटिटी मैंने 1.5 टीस्पून 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर चाय पत्ती डाली है। चाय को हम लो फ्लेम पर अच्छे से बॉयल करेंगे ताकि अच्छे से सभी चीज़ों का फ्लेवर और बढ़िया सी चाय बने। कलर भी देखिए बहुत ही अच्छा सा आ गया है। आपको और स्ट्रॉन्ग चाहिए तो आप थोड़ा और बॉयल कर दीजिए। मैंने गैस अभी बंद कर दी है और ये हमारा कंटेनर जो मैंने रखी थी ना हांडी, आपकी ये भी गर्म हो गई है। तो मैं इसे थोड़ा सा और ऐसे अंदर के साइड से भी कर देती हूँ ताकि प्रॉपर हीट लगे हर तरफ से। आप ये देखो थोड़ी सी ना ये ब्लैक हो गई है, यानी हमें अच्छे से गर्म करनी है इसे, तभी वो प्रॉपर स्मोक आएगा। मैं गैस बंद कर रही हूँ और मैंने इसको एक ऐसे बड़े बर्तन में रख दिया है। मैंने चाय को इसमें छान दिया, ये देखिए देखिए जी, ये जो चाय ऐसे प्रॉपर बॉयल हो रही है, अब इससे बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आएगा। मैंने थोड़ा सा हटा दिया है क्योंकि कैमरे में आपको ये चाय दिखाई नहीं देगी अदरवाइज। तो आप देख रहे हैं ना मेरे हाथों का फैन, ये देखिए जी बहुत ही अच्छी खुशबू, सुपर। मैं चाय नहीं पीती हूँ बट इसके फ्लेवर से ना अभी मेरा भी दिल कर रहा है चाय पीने का। इसे हम सर्व करेंगे सिकोरे में। तो अभी क्या करना है, आपने इसको हाथ में लगाना, बहुत गर्म है ये। तो मैंने यहाँ पर लिया ये वाला सिकोरा और मैं इस चाय को
ऐसे स्पून से इस कोरे में डाल देती हूँ। तो आपने देखा ना कितनी झटपट तैयार हो गई हमारी तंदूरी सिजलिंग करती हुई चाय। मैंने इसके साथ में सर्व किया है, घर पे बनाए हैं मैंने ये हेल्दी कुकीज, तो आप भी इसके साथ कुकीज और कुछ भी सर्व कर सकते हैं। इसे आपने बनाना जरूर है और ठंड में इस चाय का मजा और दुगना हो जाएगा। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।